इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परे रोड सागर मध्य प्रदेश। कृषि अध्यादेश को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन की आग का असर अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है, जहां इस मामले को लेकर यहां के किसान भी उनकी मांग का समर्थन कर प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में देवरी में नए किसान बिल वापस किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर थोपे जा रहे इस बिल के विरोध में तहसील कार्यालय परिसर के पास आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आसपास के किसान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हुए, जिनके अंदर नए किसान बिल को लेकर खास आक्रोश साफ दिखाई दिया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने नए किसान बिल को काला कानून बताए इसे किसान विरोधी करार दिया और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में अपने हक की आवाज उठाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार कर उन्हें को हटाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए क्षेत्रीय किसानों से दिल्ली कूच कर इस आंदोलन में सहभागिता निभाते हुए बिल का पुरजोर विरोध करने की अपील भी की। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी इस प्रदर्शन को संबोधित किया और नया कृषि बिल वापस नहीं लिए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। जो कृषि बिल 3 बिल पास हुए हैं, जिसका व्यापक विरोध पूरे देश में हो रहा है, उन किसानों के समर्थन में और किसानों की आवाज़ हमने यहाँ उठाने का काम किया है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ जिस तरह से चलाव करने का काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों की मांग है कि कृषि बिल जो है तीनों वापस हों, किसानों के हित में मतभेद सरकार के साथ साथ देश की सरकार निर्णय ले, इसके संबंध में क्या बनेगी। Audio Jungle.